बता देना हेलो एवरीवन कैसे हैं सारे बच्चे अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप सब अच्छे हैं एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर से हमारी फ़ाउंडेशन बैच की एक और क्लास लेकर के आई हूं बच्चे प्लीज़ ये फ़ाउंडेशन बैच की क्लासेस सभी बच्चे टाइम टू टाइम अटेंड किया करेंगी आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे फाइव पी टू सिक्स पी होती है सो so, मेरी क्लास आपके साथ लास्ट ट्यूज़डे को हुई थी और लास्ट ट्यूसडे में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था सो डू यू सबको भाई याद है ब्लड ग्रुप में क्या क्या पढ़ा था अब देखिए ये वाला जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रही हूँ ये आपने हेरिडरी एंड एवोल्यूशन में भी कर चुके हो, जो आपका चैप्टर है भाई उसके अंदर किया है ना कोडोमेंस तो वहां पर भी मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कराया था बट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है तो भाई ये जो चीज है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट फाउंडेशन बैच के लिए ये आपको जानना जरूरी है व्हाई बिकॉज जब आप इलेवेंथ में जाएंगे तो भाई आप क्लास में एकदम हैंड्स अप करके बताएंगे ना सारे टीचर्स को आंसर पहले से ही क्लियर होगा सो लेट्स डू टूडे ब्लड ग्रुपिंग का आर ब्लड ग्रुप ठीक है बच्चों तो स्टार्ट करते हैं सभी के सभी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल कान खोल के दिमाग खोल के एकदम कॉपी पेन लेकर के पढ़ा करेंगे और यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ सो हैव वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है जिसके पास बच्चे ए ब्लड ग्रुप था हमने क्या पढ़ा था कि उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है जिसके पास बी ब्लड ग्रुप था हमने उसके बॉडी में दूसरे टाइप का एंटीजन देखा इसको एंटीजन भी बोल दिया जिसका ए बी ब्लड ग्रुप था उसके पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट थे ए बी और बी बी और जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास देवर नो एंटीजन और ये कैसे होते थे बच्चे आर बी सेल आर बी सी सेल्स में होते थे तो अगर मैं यहाँ पे आर बी सी सेल्स बनाऊँगी तो आर बी सी के सरफेस में बॉडीज़ होती हैं प्रोटीनिशियस बॉडी होती हैं वो कुछ कैसे लगते हैं तो ए जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें मान लो भाई इस टाइप की चीज़ें प्रेजेंट है अच्छा ए बी वाले ग्रुप ब्लड में भी ए वाली चीज़ होंगी भाई जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास भाई दूसरी तरीके की बॉडीज़ होंगी और ए बी के पास दोनों होंगे तो ए बी के आर बी में दोनों आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे जब हमने ओ ब्लड ग्रुप की बात की बात थी तो पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता, ना ही ए है ना ही बी है कुछ भी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसीलिए ए ब्लड ग्रुप को हमने क्या कहा था यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला था वो ब्लड ग्रुप को क्योंकि वही वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप बच्चे ओ है अब मैं आपको ब्लड ग्रुप दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई एंटीजन है ही नहीं तो अगर मैं आपको ब्लड दूंगी तो आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन चीज़ें नहीं आ रही कोई भी घुसपैठ नहीं आ रहा है बॉडी के अंदर तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी और इजीली उस ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगी सो दिस इज अबाउट द लास्ट क्लास ठीक है भाई सिमिलरली हमने ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा था ठीक है भाई अब यहां पे देखते हैं अब भाई यहां पे आप देखिए नै आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव का क्या मतलब है तो बच्चे जैसे आप मुझे अपना ब्लड ग्रुप बताइए लास्ट क्लास में बच्चों ने बताया था कि मैम मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है एंड बच्चों मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है कुछ रेयर होते हैं जिसके पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है सो वॉट इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये है बच्चे आर एच एंटीजन तो जैसे हमने ए बी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की बात की थी एक और एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं आर एच एंटीजन और इसका नाम आर एच एंटीजन इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसा ही कोई चीज़ ऐसी ही कोई प्रोटीन की बॉडी शुगर प्रोटीन की बॉडी देखने को मिलती है रीसिस मंकी में क्या बोला मैंने फिर से बोल रही हूँ भाई रीसेस मंकी जो होता है बच्चे उसके पास उसके पास भी कोई ऐसे सब्सटेंसेस है जो कुछ लोगों की आर बी सी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास भी यहाँ पे एक प्रेजेंट है अच्छा इसको दूसरे कलर से बनाते हैं ब्लैक कलर से बनाते आर एच एंटीजन को ब्लैक कलर से बनाते हैं तो बच्चे इसके पास भी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इसके पास भी प्रेजेंट है तो ये भी पॉजिटिव भी हो जाएगा इसके पास नहीं है तो भाई ये ए भी नेगेटिव होगा और इसके पास भी प्रेजेंट होगा तो ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसा फैक्टर, ऐसा एंटीजन, जो कि रीसिस मंकी में भी पाया जाता है, उसको हम आरएच एंटीजन कहते हैं, ठीक है भाई? और ह्यूमन पॉपुलेशन में 80 परसेंट में ये देखा जाता है, 80 परसेंट ऑफ ह्यूमन हैव दिस आरएच पॉजिटिव एंटी आरएच एंटीजन, सही है भाई? अब एक बात बताइए, जो बच्चा आरएच होगा फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो ओ पॉज़िटिव बच्चे क्या करेगा ये उसको ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास तो आर एच फैक्टर है ही नहीं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसकी बॉडी में एंटी आर एच बन जाएंगे येस और नो ए बी नेगेटिव को अगर ए बी पॉजिटिव ब्लड देता है तो वो एक्स्ट्रा दे रहा है उसको आर एच एंटीजन तो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट वहाँ पे क्या बन जाएगा एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी भाई किसी ने सुल्तान मूवी देखी है सुल्तान सलमान खान और अनुष्का शर्मा वाली मूवी ये देखी है क्या होता है उसमें उसके जो बेबी होता है उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता था और राइट टाइम पे भाई उसके फादर वहाँ नहीं पहुँच पाते थे तो बच्चे की डेथ हो जाती थी क्योंकि उसको ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है ओ नेगेटिव ब्लड काफी रेयर होता है वेरी रेयर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है केवल आर एच एंटीजन है और ऐसे लोग बच्चे हर किसी को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास फिर भी एक एंटीजन है दैट इज आर एच एंटीजन लेकिन ओ नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है ये चीज सबको समझ आई जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे सभी बच्चे कमेंट्स करके यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे सबको क्लियर है किसी को कोई भी डाउट है तो अभी की अभी पूछ लेगा भाई चलो बताइए एनी डाउट मैं रुकी हूँ भाई दो मिनट तक तो कोई डाउट है तो बता सकते हैं पिछली क्लास और आज की क्लास में इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग करेंगे और एक डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगी चलिए कोई डाउट है बच्चों ओके ओके बच्चे ध्यान से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे ठीक है जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से सुन लेंगे मेरी बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ हमने क्या पढ़ा था एक मिनट भाई जरा एडजस्ट हो जाए ठीक से अब सुनो हमने बच्चे पढ़ा था ए एंटीजन एक टाइप का एंटीजन जिसके पास अगर एक टाइप का एंटीजन है तो मैंने उसको ए ब्लड ग्रुप बोल दिया जिसके पास दूसरे तरीके का एंटीजन है उसको हमने बी ब्लड ग्रुप बोल दिया था जिसके पास दोनों प्रेजेंट है उसको हमने ए बी ब्लड ग्रुप कहा था और जिसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसको हमने ओ बोला था बच्चे ए बी ओ के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ट्यूजडे को वो हमने फुल क्लास उसी में किया था तो आप प्लीज पिछली क्लासेस को भी देखिए ठीक है नाउ अब आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है तो जैसे मैंने कहा भाई किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या हिसाब है सो देयर इज अनदर एंटीजन जिसको हम आरएच एंटीजन कहते हैं इसका नाम आरएच कहाँ से आया है ये एक मंकी में भी पाया जाता है रिसस मंकी में भी पाया जाता है तो आरएच वहां से आ गया तो जिसके पास आरएच होगा उसको बच्चे पॉजिटिव बोलेंगे और जिसके पास नहीं होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे आप सबको क्लियर है आप सबको क्लियर है बच्चे अब मैंने क्या बोला अगर कोई पॉजिटिव वाला बंदा नेगेटिव वाले बंदे को खून देगा तो जाहिर सी बात है वो एक एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी उसके अंदर देगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी जरूर बनेंगे यस और नो हां जी बच्चे सबको क्लियर है ना देखिए बेटा एक बार जब मैं आपको समझाती हूँ तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश किया करें। आपको भी पता है हर वक्त आपके कमेंट्स नहीं होते भाई मेरे साथ है ना हम नहीं देख पाते बिकॉज वी क्लासेस में हम कमेंट्स देखते हैं यू कैन आस डाउट्स यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं बट but... हो सकता है चांसेस रहते हैं आपके डाउट में सोने के तो प्लीज बच्चे इसीलिए आप ध्यान से सुनिया करें और अगर आपके रिपीट करने कहने के बाद भी मैं रिपीट कर रही हूं तो उसको प्लीज अच्छे से सुने मेरा भी कहना मानो भाई मैं आपका मानती हूं तो ठीक है चलो अब बच्चे आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजीज के बारे में बताना चाहती हूं क्या कोई जानता है एरेथ्रो ब्लास्टोसिट के बारे में एनी वन नो वॉट इज एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस एनी वन किसी को पता है कि भाई एरेथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है एनी वन हु नो दिस थिंग चलिए अब बच्चे मैं आपको समझाती हूँ ध्यान से सुनिएगा मान लीजिए जो मदर है वो बच्चे आर एच नेगेटिव है मारे मदर क्या है आर एच नेगेटिव यानी कि उनके पास आर एच एंटीजन नहीं है नो आर एच एंटीजन फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए मदर बी नेगेटिव है ठीक है और इनके और ये प्रेग्नेंट है और जो इनका फीचर्स है मदर के में जो बेबी है वो बच्चे आरएच एच पॉजिटिव है यानी कि वो हो गया बी पॉजिटिव ऐसा हो सकता है अब भाई ये तो डिपेंड करेगा ना डोमिनेंट बच्चे पॉजिटिव होगा तो अगर फादर डोमिनेंट है तो बच्चा भी डोमिनेंट होगा ठीक है भाई तो फादर के पास यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया बच्चे के पास अब देखो दोबारा बोल रही हूँ फीटस के पास जो अब बच्चा है वो बी पॉजिटिव है और मदर जो है वो बी नेगेटिव है अब क्या होगा आपको भी पता है प्लासेंटा से पूरा न्यूट्रिशन जाता है एंटीबॉडी सब कुछ चीजें जा रही हैं बच्चे लेकिन अभी मदर के पास ऐसी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है जो बच्चे के पास जाएगी और मदर उस जो बच्चे के पास जाएगी और उसको मार सकती है यस और नो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी मदर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है कि जो प्लासेंटा के थ्रू मदर से बच्चे में जा सके क्योंकि मदर के पास बी नेगेटिव है और मदर की बॉडी को पता ही नहीं ये पॉजिटिव क्या होता है तो उनकी बॉडी में ऐसी कोई एंटीबॉडी बनी ही नहीं बट बच्चे के पास पॉजिटिव है और बच्चे से चीज़ तो मदर से जाएगी नहीं पहले है ना चलो अब क्या हुआ जब बच्चे यहाँ पे डिलीवरी होगी तो आपको पता है अम्बलिक कॉर्ड ब्रेक होता है एंड देर आर चांसेस ऑफ ब्लड एक्सचेंज देर आर चांसेस ऑफ स्लाइट ब्लड फ्यूजन हल्का सा ब्लड फ्यूजन के चांसेस रहते हैं डिलीवरी के समय अब आप मुझे बताइए क्या होगा बच्चे डिलीवरी कैसे होगी तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो मदर है और जो बेबी है मदर के पास है बी नेगेटिव और बेबी से आ रहा है बी पॉजिटिव और इस में कुछ फ्यूजन हो गया अब आप मुझे बताइए एंटीबॉडी किसकी बॉडी में बनेंगे चले आंसर करके बताएं सारे बच्चों अगर इनका ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो गया डिलीवरी के समय तो किसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे कम ऑन आंसर आंसर राइट नाउ। बताएंगे बेटा। मदर की बॉडी में बनेंगे या बेबी की बॉडी में किसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे अगर यहां पे थोड़ा सा ब्लड का फ्यूजन हुआ बताएं, बताएं। भाई किसमें किसकी बॉडी में होगा बिल्कुल बच्चे ट्राई कीजिए प्लीज सारे बच्चे आंसर ट्राई करेंगे मुझे यहाँ पे सबसे आंसर्स चाहिए आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबडी देखिए बिल्कुल सही बात है भाई होता क्या है मदर के पास तो आरएच पॉजिटिव था ही नहीं तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं पहले से लेकिन जब यहाँ पे ब्लड का थोड़ा सा पिक्सिंग हुआ तो मदर की बॉडी अब एंटीबॉडी बना लेती है एंटीबॉडी अगेंस्ट पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना लेती है अब कुछ नहीं होगा बच्चा सिंपल बाहर चला गया इतना ब्लड ट्रांसफर हुआ नहीं कि कोई दिक्कत है कि ऐसा तो नहीं है भाई डिलीवरी करते समय बच्चा बोलता है चलो माँ मैं तुमको खून दे के जाता हूँ ऐसा तो नहीं होता ना तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा दोनों को दोनों जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहेंगे अब बच्चे देखेंगे क्या होगा जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी ये यहां पे ध्यान से सुनने वाली बात है ध्यान से सुनिए जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी और अब अगर मदर जो है भाई वो तो आर एस नेगेटिव ही रहेंगी और मान लीजिए बेबी जो है वो बी पॉजिटिव है मदर जो है वो बी नेगेटिव है और बेबी जो है वो भी पॉजिटिव है अब बच्चे आप मुझे बताओ क्या होगा इस समय पहले यहाँ पे कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी इनिशियली देर वर नो एंटीबॉडीज बट नाउ यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन हुआ था तो अब यहाँ पे एंटीबॉडीज अवेलेबल होंगे किसके अगेंस्ट अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव भाई आर एच एंटीजिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होगा एंटी आर एच प्रेजेंट होगा अब ये बच्चे प्लासेंटा के थ्रू बेबी की बॉडी में जाएगा ये प्लासेंटा के थ्रू बेबी की बॉडी में जाएगा अब बच्चे इस केस में बहुत नुकसान है क्योंकि यहां पे बेबी की बॉडी में बेबी आरएच एच पॉजिटिव है यानी कि बी पॉजिटिव है और अब उसके पास आ गए एंटी आरएच तो डेफिनेटली यहां पे बेबी की जान को खतरा है इट कुड आल्सो लीड टू डेथ जोंडिस हो जाता है भाई ब्लड की कमी हो जाती है ब्लड क्लॉट हो जाते हैं इसीलिए इंजेक्शन दिया जाता है पहली ही बारी में ताकि ऐसे कोई एंटीबॉडीज ना बने सबको समझ आया सबको समझ आया येस और नो बेटा जल्दी जल्दी यस और नो थम्स अप करके बता देंगे सबको समझ आया कि नहीं चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे एवरीबडी अंडरस्टोड चले यहां पे डायग्राम में देखिए बच्चे ये आर एच नेगेटिव मदर थी तो आर पॉजिटिव फीटस यहाँ पे प्रेजेंट है अभी क्या हुआ यहाँ पे प्लासेंटा के थ्रू थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया जब डिलीवरी हुई तो मदर की बॉडी में अब एंटीबॉडी बन गए अब ये एंटीबॉडी बच्चे प्लासेंटा के थ्रू ये बेबी के ब्लड से जाएंगे अटैच होंगे और यहाँ पे सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी इस कंडीशन को कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं आरबीसी जो होते हैं खराब हो रहे हैं फिटालस के अंदर, अंदर चलिए सब इसको नोट डाउन कर ले भाई सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टॉपिक ऑफ ब्लड देन बच्चे कल मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी कल हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे अब यहाँ पे देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग अब ब्लड क्लॉट क्या होता है आपको भी पता है जब भी हमें कोई इंजरी होती है और अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है तो भाई ब्लड का लॉस होता है कोई कट वट जाता है चाकू वाकू लग जाता है कई मार मूर के आ जाते हो लड़ झगड़ के आ जाते हो तो क्या होता है कट लग जाता है और ब्लीडिंग होती है क्या ये ब्लीडिंग होती रहेगी अगर ये होती रहेगी तो ऐसे तो बेटा ब्लड लॉस हो जाएगा हेमेरिज जाएगा उससे तो डेथ हो सकती है तो इसलिए यहाँ पे प्रिवेंशन करना होता है शन करना होता है ब्लड लॉस का ब्लड को खोने से बचाना पड़ता है इसीलिए यहां पे क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग होती है तो कभी आपने देखा होगा जब आपकी चोट लग जाती है तो जहां से खून आ रहा होता है वहां पे रेडिश ब्राउन कलर का रेडिश ब्राउन कलर का बच्चे कम एक लेयर सी बन जाती है वो इकट्ठा हो जाता है ब्लड नहीं आता आपको पता है ये क्या है ये कुछ नहीं है बट डैमेज एलिमेंट्स ऑफ ब्लड प्लस फिब्रिन कोई बता सकता है फिब्रिन क्या था किसी ने भाई क्लास देखी है पूरी एनी बडी हुट इज फेबरिन भाई मैंने ब्लड के कंपोनेंट्स में पढ़ाया था मैंने आपसे कहा कि जब बच्चे को चोट लगती है तो खून तो रोकना है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो आपने देखा होगा जब ब्लड खून रुक जाता है तो रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है तो ये जो है ये कुछ नहीं है बट ये डैमेज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है और इसमें होता है फेबरिन सो एनी नो वॉट इज फेबरिन नो no, बच्चे कोई बता सकता है फिब्रिन क्या होता है बच्चे फिब्रिन पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए देखिए ध्यान से सुनिए मैंने आपको बताया था प्लाज्मा का प्रोटीन प्लाज्मा में प्रोटीन्स थे भाई प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन था प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन था प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन था तो ये बच्चे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसे कहते हैं फिब्रिन प्रोटीन्स दीज आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा अब क्या होगा बच्चे यहाँ पे देखिए तो so, मान लीजिए ये कोई आपकी आर्टरी कट गई है मान लो अब यहाँ से तो भाई ब्लड बाहर आ रहा है तो ब्लड बाहर आ रहा है रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं अब यहाँ पे प्लेटलेट भी प्रेजेंट है ये प्लेटलेट मदद करते हैं ब्लड को क्लॉट बनाने में ब्लड क्लॉट बनाने में मदद करते हैं और ऐसा कोई क्लॉट बन जाता है जिसके अंदर फिब्रेन होते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आर वगैरह तो जो ब्लड को क्लॉट को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा लगता है ठीक है चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये क्लॉटिंग कैसे होती है अब मान लीजिए बच्चे कोई चोट लग गई कोई इंजरी हो गई उसके बाद ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग होने के बाद क्या होगा जो वहां के कॉलेजन फाइबर्स होते हैं भाई आपका स्किन जो है कॉलेजिन है वो क्या होगा ये एक्सपोज हो जाता है मतलब स्किन से कवर नहीं है कट लग गया तो बेटा अंदर का सारा एक्सपोज हो जाएगा अब ये एक्सपोज हो गया तो ये एक सिग्नल भेजते हैं टू प्लेटलेट्स ये प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग भाई स्टार्ट करो तो मान लीजिए जहां पे भी इंजरी प्रेजेंट है भाई मैं पॉइंट्स में लिख के बता रही हूं जहां पे भी इंजरी प्रेजेंट है यहाँ पे बच्चे प्लेटलेट्स आने लगते हैं प्लेटलेट्स आने यहाँ पे लगते हैं जब यहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं ये रिलीज करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, जिससे कि और प्लेटलेट्स आते हैं क्या बोला मैंने जब कोई इंजरी होती है तब प्लेटलेट्स रिलीज हो जाते हैं और जैसे ही वहां पे प्लेटलेट्स आ गए तो और धीरे धीरे ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होंगे कि और प्लेटलेट्स आएंगे अब यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाता है एक प्लग बन जाता है ऑफ प्लेटलेट तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूं तो भाई यहां से खूब खून बहरा है मान लो मान लो यहां से ब्लड बाहर आ रहा है अब क्या होगा जब बच्चे यहां से ब्लड बाहर आएगा तो मान लीजिए यहां पे प्लेटलेट्स प्रेजेंट है ये यह प्लेटलेट्स यहां आने लगेंगी और ये बेटा यहां पे इकट्ठा होने लगती है और प्लेटलेट्स आने लगती हैं, सच दैट यहां पे एक प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है प्लेटलेट का प्लग बन गया अब ये यहां पे क्या करेंगे देखिए ये प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं फैक्टर्स थ्राम्बो प्लास्टिन नाम याद रखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं साथ में कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं पहले क्या हुआ ब्लीडिंग हो पे प्लेटलेट्स आ गई प्लेटलेट्स क्या हुआ वहां पे रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया कैल्शियम आयन के साथ अब ये देखिए क्या करेगा एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स बताए थे ना ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में किसकी मदद से थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की मदद से क्या बोला मैंने आपको पहले तो भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा प्रो अभी वो इनएक्टिव है अभी ये इनएक्टिव है इसको एक्टिव कर देगा कौन ये थ्रोम्बिन और कैल्शियम अब जब बच्चे ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा ये फर्दर देखिए क्या करेगा दिस थ्रोम्बिन विल एक्टिवेट फिब्रीनोजेन टू फिब्रिन याद है मैंने फिब्रिन पढ़ाया था बच्चों, फिब्रिनोजेन पढ़ाया था प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमेन फिब्रिनोजेन और ये सब तो ये जो फिब्रिनोजेन है ये एक्टिव हो जाएगा दिस इज इनएक्टिव ये एक्टिव हो जाएगा फिब्रिन में किसकी मदद से बाय थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बाई इसको फिब्रिन में बदल देगा अब जब ये फिब्रिन आ जाएंगे तो ये बच्चे ट्रैवल करते हैं डैमेज एरिया में फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर ट्रैप करते हैं ब्लड के सेल्स को एंड देयरफॉर क्लॉटिंग करते हैं जो एक आ, स्कम सा गुच्छा सा प्रोड्यूस हो जाता है हो जाता है ना ब्लड जम जाता है वो यहाँ पे क्लॉटिंग प्रोड्यूस करता है सो दिस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग फिर से रिपीट कर रही हूँ जब हमें कोई चोट लग जाती है तो सारा खून ना बहे इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स और प्लाज्मा काम करने लगते हैं सबसे पहला बच्चा क्या होता है जैसे ही यहाँ पे कोई चोट लगी तो जो यहाँ पे एक कॉलेजन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा एक्सपोज हो जाएगा एक्सपोज हो गया तो भाई सारा

जिसमें ये ट्रैप कर लेगा ब्लड सेल को और यहाँ पे कॉट क्लॉटिंग प्रोड्यूस कर देगा दिस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग यहाँ देखिए बच्चे फिर से डायग्राम में जिसको नहीं समझ आया सबसे पहले ये भाई कोई चोट लग गई ब्रोक हो गई वेसल ठीक है अब डैमेज ब्लड सेल है तो बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर को करेगी ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन सारे आ गए तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करेगी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगी बच्चे को में बदलेगा. अब यहां देखिए ये ये जो हैं. सब क्या है? So, सबको समझ, yes no? सब समझ आया किसी को कोई डाउट है एंड वी विल एंड दिस क्लास देन चलिए बेटा किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं Any doubt? हाँ जी बच्चे क्या नहीं समझ आया वो मेरे से पूछ सकता है ठीक है अच्छा जिसको नहीं समझ आया एक बार क्लास को भी पूरा देखने की कोशिश करना कुछ बच्चे तो बस मैम को परेशान करने के लिए मैम रिपीट कर दो रिपीट कर दो लिख देते हैं भाई तुम लिखो मैं देखती हूँ बेटा मैं यहाँ पे कमेंट्स करने के लिए बोलती हूँ सो देट वेन आई गो बैक टू माई एरिया और माई वर्क मैं आपकी देखूं भाई कितने बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही है कौन से क्वेश्चन में कहाँ अटके हैं बट मेरे पास कॉमेंट्स होते हैं मैम रिपीट कर दो रिपीट कर दो क्विज नहीं आया क्विज नहीं आया तो बच्चे इनसे तो कोई मतलब ही नहीं अगर आप रिपीट कर दे बोलेंगे तो दैट शोज कि आप समझना ही नहीं चाहते हो आप बताइए कि मैम ये रिपीट कर दो ये समझ नहीं आएगा तब तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी भी ठीक है चलो तो अब बच्चे चलते हैं आज के लिए इतना ही तो आई होप सबको अच्छे से क्लास समझ हो बाकी अब हम कल पढ़ेंगे सो आज के लिए इतना ही बाय बाय एंड सी यू टुमारो